हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा होता है। तो ये 22 दिसंबर होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो होता है वो 21 जून को। 21 जून को होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। जब उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? ये उज्बेकिस्तान में, पहले जो रूस का हिस्सा, जो सोवियत यूएसएसआर था उसका हिस्सा था ये, तो उसी उज्बेकिस्तान में ये सारे शहर हैं। ताशकंद, जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, ये वही शहर है ताशकंद। कोचीन का जुड़वा नगर है, कोचीन का जुड़वा नगर जो है वो एर्नाकुलम को कहा जाता है, एर्नाकुलम को। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत जो है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट प्रकार का जो चट्टान है, तो ये पातालीय, सॉरी ये होगा पातालीय, पाता लिए, पातालीय अग्नेय चट्टान के रूप में इसकी गणना की जाती है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सतलज है। सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, ये सब हैं, चिनाब, तो इसमें सतलज सबसे बड़ी सहायक नदी है। सूबा किस देश की राजधानी? सूबा जो है ये फिजी की राजधानी है। उसके बाद कोलंबिया का पठार किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार कहाँ पे? कोलंबिया राज्य है अमेरिका का, और उसी को वहीं पे है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उस सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए, अगर उसको 1/4 दूरी को कम कर दिया जाए, तो सबसे अधिक संभावना है कि हमारा वर्ष जो 365 से 1/4 दिन का होता है, उसकी अवधि जो है वो कम हो जाएगी। अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर लगभग है। और सबसे लंबी सीमा जो हमारे देश की, जो स्थलीय सीमा की बात अगर करते हैं, तो वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो 4096.7 किलोमीटर है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रेंकुलिटी, सी ऑफ ट्रेंकुलिटी कहा जाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारत का सुदूर रस्त बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद रोरिंग फोर्टी, रोरिंग फोर्टी शब्द का प्रयोग होता है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसके मध्य जो सशक्त समुद्री हवाएं चलती हैं, उसको हम रोरिंग फोर्टी कहा जाता है, 40 to 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। चौरवाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चौरवाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये स्थित है। हिमालय की रचना तीन तरह की समांतर बाल श्रेणियों से बनी हुई है, बलय, बलयाकार, जो बलयाकार हैं श्रेणियाँ, तीन प्रकार की श्रेणियों हैं, जो तीन प्रकार की श्रेणियों से हुई, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, इसमें बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, तीन तीन इसकी वो हैं, तो उसमें बृहत हिमालय सबसे प्राचीन है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का वह दिन होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है,
तो उसे हम रेनी डे घोषित करते हैं। टेहरी पर पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। गुलाबी क्रांति संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो पिंक रेवोल्यूशन है वो प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य, कहाँ पे टिन संसाधन उपलब्ध है? छत्तीसगढ़ में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, मालदीव, दक्षिण एशिया की बात हो रही है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर अपवाह दृष्टि से देखें सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर झील। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है, जलवायु किस निर्धारित करता है कौन? अक्षांश। अक्षांश जैसे ध्रुवों की तरफ, अक्षांश ध्रुवों की तरफ बढ़ेगा, अक्षांश कम होगा अगर, तो ध्रुवों की तरफ अक्षांश बढ़ेगा जीरो, जो विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ठंडा होता जाएगा, विषुवत रेखा की तरफ जब अक्षांश हम बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी।